हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमेस। यार आज हम पीसी बिल्ड करेंगे 23,000 के आसपास राइजन 3 2200G, जो कि एक एपीयू है। और अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं इस बजट में, पबजी से गेम को आप फुल एचडी में खेलना चाहते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके पहले मैंने और भी वीडियो बनाया है, कोर i3 8th जनरेशन, कोर i3 7th जनरेशन और कोर i3 6th जनरेशन का पीसी बिल्ड किया है। अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर दिए कार्ड्स को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा मेन कंपोनेंट की, जो कि राइजन 3 2200G, जो कि एक एपीयू है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसकी प्राइस और फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो सभी कंपोनेंट मैंने अमेजोन से लिया है। तो इसका प्राइस अगर देखेंगे अमेजोन पर तो आपको मिलेगा 7,900 के आसपास, ये आपको मिल जाएगा। और इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलता है 3.5 GHz, अप टू 3.7 GHz यहाँ पर आपको बूस्ट स्पीड मिलता है। इस सीपीयू में आपको कोर्स मिलते हैं, 4 कोर 4 थ्रेड्स मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके सीपीयू में ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड रहने की वजह से आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगी और ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और इस प्रोसेसर के साथ एक सीपीयू फैन मिलता है, यानी कि कूलर मिलता है, जो कि एएमडी कंपनी ने अच्छी क्वालिटी यहाँ पर कूलर प्रोवाइड किया है, जो कि आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको एक जीपीयू मिलता है, यानी कि ग्राफिक्स मिलता है, और ये आपको रेडियन वेगा 8 यहाँ पर आपको जीपीयू मिलता है। और इसमें आपको टोटल कोर की बात करें, यहाँ पर आपको जीपीयू कोर मिलता है 8, जो कि आप पबजी फुल एचडी में आराम से खेल सकते हैं। इस प्रोसेसर की L3 कैच की बात करें, यहाँ पर 4 MB L3 कैच मिलता है। ये प्रोसेसर सॉकेट AM4 में बैठता है, यानी कि आप AM4 मदरबोर्ड में आप इस प्रोसेसर को बैठा सकते हैं। इस बार इस पीसी बिल्ड में हम मदरबोर्ड यूज़ करेंगे गीगाबाइट कंपनी की तरफ से, जो कि GA320M S2H मदरबोर्ड है। और इसकी प्राइस की बात करें, यहाँ पर आपको अमेजन पर मिल जाता है 4,400 के आसपास। इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप AMD Ryzen सीरीज यहाँ पर प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं इस मदरबोर्ड में, और 7th जनरेशन A सीरीज यहाँ पर प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एथलॉन प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप AMD कंपनी के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस मदरबोर्ड में मैक्सिमम 32 GB यहाँ पर रैम यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3200 MHz तक स्पीड हो सकता है। और इस मदरबोर्ड के साथ आपको DVI पोर्ट मिलता है, D पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर LAN पोर्ट मिलता है। और USB पोर्ट की बात करें, यहाँ पर टोटल आपको 8 USB पोर्ट मिलता है, यानी कि 2 यहाँ पर USB 3 मिलता है और 6 यहाँ पर USB 2 आपको पोर्ट मिल जाता है। तो यही कुछ खास फीचर है इस मदरबोर्ड में। इस पीसी बिल में नेक्स्ट कंपोनेंट है रैम, जो कि जी स्किल कंपनी की तरफ से हमने यूज़ किया है, रिपजॉस भी। ये एक DDR4 8GB रैम है, और जो कि इसकी प्राइस बात करें, यहाँ पर 4,300 के आसपास ये आपको मिल जाएगा अमेजन पर। तो यहाँ पर आपको 2400 MHz तक स्पीड मिल जाता है, जो कि इस पीसी बिल के लिए ये इनाफ है। और अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस पाना चाहते हैं तो आप 3200 MHz तक एक अच्छा रैम लगा सकते हैं, लेकिन 2400 MHz स्पीड इनाफ है गेमिंग के लिए, और ये आपको रेड कलर का मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे WD ब्लू, जो कि मैंने सभी पीसी बिल में यही यूज़ किया है। और इसकी प्राइस की बात करें, यहाँ पर आपको 3100 के आसपास ये आपको मिल जाएगा अमेजन पर, और इसका परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी स्पीड की बात करें, यहाँ पर आपको 7200 RPM स्पीड मिलता है, जो कि तगड़ी वाली ये एक हार्ड डिस्क है गेमिंग के लिए, वो अलग से आपको SSD परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक 1 TB हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो है पावर सप्लाई, यानी कि SMPS यूज़ करेंगे सर्किल कंपनी की तरफ से 400 वाट की, जो कि बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको ये SMPS मिलता है 820 रुपीस में। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला एक SMPS है, जो कि आपको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं आपके पीसी बिल में, तो आप मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप 500 वाट की या फिर 600 वाट की एक अच्छा वाला एक SMPS ले लीजिए। तो यही 400 वाट का SMPS यूज़ करेंगे इस पीसी बिल में, जो हमारे पीसी बिल के लिए इनफ रहेगा। यहाँ पर मैंने सभी कंपोनेंट्स को चूज़ तो कर लिया है, लेकिन सभी कंपोनेंट्स को हम रखेंगे कहाँ। इसके लिए मैंने कैबिनेट चूज़ किया है कॉर्सर कंपनी की तरफ से, कॉर्बाइट सीरीज, जो कि इसकी प्राइस की बात की, यहाँ पर आपको 3000 के आसपास मिल जाता है, जो कि बजट एक कैबिनेट है गेमिंग के लिए। और इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको रेड LED मिलता है, जो कि आपके डेस्क को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा लुकिंग के मामले में। और इसमें आपको एक साइड पैनल ग्लास भी मिलता है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 23,700 के आसपास। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।